बड़ी खबर मेरठ से है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान आया है। मोदी जी का जलवा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर सीट पर हार का कारण जानने की भी बात कही। कहा, हमारे जिम्मे मुजफ्फरनगर की सरदना विधानसभा थी और हम वहां जीते। 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और इसके लिए देश के वो सभी वोटर्स, सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और NDA को चुना। मैं सब क्षेत्रों के लिए काम किया और खासतौर से अगर मुजफ्फरनगर की भी बात करेंगे तो सरधना विधानसभा नहीं हारी है, बाकी विधानसभा हारे। सरधना विधानसभा जो हमने कहा था कि सरधना विधानसभा नहीं हारेगी, इतने सब कुछ होने के बाद भी सरधना विधानसभा हम बराबर रहे हैं। अब देखिए, कहने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं चूंकि सरधना विधानसभा उसी में है और सरधना विधानसभा पे मैंने कहा था यहां हारने नहीं दूंगा, तो ऑलमोस्ट वहां हम हारे नहीं है, करीब करीब हम बराबर रहे हैं। भले ही हम बाकी दो तीन, हम बुढ़ाना में हार गए, बुढ़ाना में हम बड़ी वोटों से हार गए, हम चरथावल में बड़ी वोटों से हार गए, लेकिन सरधना में नहीं हारे। सरधना मेरी विधानसभा है तो मैंने वो नहीं हारने। अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूँ तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं, अगर मैं ही हर जगह खेल कर सकता हूँ। देखिए साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा में सरधना की थी और सरधना हमने नहीं हारने दी। 45 वोटों का अंतर रहा, जो कोई अंतर नहीं होता। देखिए, जो इंडिया गठबंधन था, जो ठगों का एक ठगबंधन बना था, वो पूरे देश में एक माहौल बना रहे थे कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, SC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वो उसे फैलाने में कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक उन्होंने, कुछ हमारे भाई बहन थोड़ा सा विचल गए, जिससे थोड़ा फर्क पड़ा है, हालांकि वो ये सब में सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ना किसी आरक्षण को खत्म करने जा रही है, ना आरक्षण को कोई छेड़ने जा रहा है। आरक्षण परंपरागत जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से कुछ सीटें हारे हैं, क्या उनको आप समझाना चाहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील? बेसिकली अब किसे बड़बोला कहेंगे, किसे नहीं बड़बोला कहेंगे, ये सब विषय है। आखिर हम जो भी सीट हारे उसे क्यों हारे, उसमें जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। किस सीट को हम हारे और किस सीट को, किसकी वजह से हारे, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को, और मेरा कहना यह है कि मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी, सरधना विधानसभा पर नहीं हारे।